अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पिछली वीडियोस में। दोस्तों आज के व्लॉग में भी इतना ही प्यार मोहब्बत दीजिएगा दोस्तों, इतना ही प्यार मोहब्बत जिस तरह से पिछली वीडियोस में देते आए हैं। तो दोस्तों आइए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। कबूतरों की भी अपडेट देंगे और अंडों की भी अपडेट देंगे। आज दोस्तों हमारे अंडे हो गए 18 दिन के अंडे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों अगर 18 दिन में हुए, 18 दिन का वो प्रोसेस, तो हमारे आज ही बच्चे निकल जाएंगे। नहीं तो हमारे 20-21 दिन का हुआ था दोस्तों, 2 या 3 दिन में हमारे इंशाल्लाह हमारे बेबी पिजन बाहर आ जाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज कबूतर खोल रहा हूँ मैं, इनको दाना वाना डालते हैं इनको, फिर आपको इनका शौक भी कराएंगे। कबूतर बाहर आ जाएंगे तो दोस्तों आपको अंडे भी दिखा देंगे। दोस्तों ये फुल मादी को मार रहा है, ये भी अंडे दे देगी इंशाल्लाह। जगह तो इन्होंने अपनी परफेक्ट इधर बना ली है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा दोस्तों। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। आइए दोस्तों अभी इनको हम खोलते हैं, आ जाओ। पानी दोस्तों ऑलरेडी मैंने साफ पानी डाल दिया इनको, और अब इनको दाना डालते हैं। दाना देखता हूँ दोस्तों, मुझे नज़र नहीं आ रहा, दाना लेकर आता हूँ मैं, फिर इनको दाना डालते हैं। देखिए दोस्तों A to Z सारे कबूतर हमारे बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, अंदर से आपको अंडों की भी अपडेट देते हैं। दोस्तों आज माशाल्लाह से 18 दिन हो गए, देखते हैं दोस्तों 18 दिन के अंडे किस तरह के होते हैं। और वो एक कबूतर दोस्तों अंदर चला गया, सालकोटी नर। दोस्तों आज तो ये सियालकोटी नर जो है ये भी बहुत गुस्सा कर रहा है, बैठा हुआ है अंडों पे। इधर मक्को आई सारी मादी बैठी हुई है और इधर भी मादी बैठ गई है दोस्तों। ये जल्दी से गए दोस्तों, थोड़ा सा 2-4 दाने ही खाए इन्होंने और वापस से भाग कर आ गए। ये तीनों ही निकले थे बाहर और निकलने के फौरन बाद ही बाहर आ गए। देखिए दोस्तों कल ही हमने सफाई की थी, आज देखें इनका हाल, देखें दोस्तों कैच का हमारे। अब दोस्तों कल मैं सफाई करूँगा, आज तो मैं जॉब पर भी जाना है, सुबह का टाइम है। तो जॉब पर जाने के लिए दोस्तों मुझे देर हो जाएगी, इसी वजह से दोस्तों आज भी मैं सफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बहुत लेट हो जाएगा। कल अगर मुझे टाइम मिला तो कल दोबारा से इंशाल्लाह दोस्तों कोशिश करा करूँगा मैं, हर एक दूसरे दिन इसकी सफाई कर दिया करेंगे हम। तो इंशाल्लाह दोस्तों अंडे हमारे निकल जाएंगे। ये तकरीबन दोस्तों हमारे हो गए अंडे, इसके सियालकोटी के हमारे हो गए 15 दिन के, उसके हो गए पूरे 18 दिन के दोस्तों। क्योंकि 18 दिन इस तरह हो गए दोस्तों, 9 तारीख को, आपको शायद याद हो 9 तारीख को इन्होंने अंडे दिए थे, 9 तारीख से आज 27 तारीख हो गई है दोस्तों, 27 तारीख हो गई है, हाँ 27 तारीख हो गई है, 9 तारीख से 27 तारीख, तो दोस्तों कितने दिन बनते हैं, 18 दिन के अंडे हो गए हैं। और इसके हो गए दोस्तों 12 दिन के हो गए हैं, शायद 12 दिन के अंडे हो गए इनके, इसके भी इंशाल्लाह करीब में आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ये जो नया जोड़ा आया दोस्तों हमारा, इन्होंने इधर जगह बनाई, देखिए घोंसला बनाया खुद ही इन्होंने, सारा घास फास भी रख लिया। ये दोस्तों सियालकोटी नर ये मादी के साथ नैन मटक्का कर रहा है दोस्तों, और ये मादी इसको घास भी नहीं डाल रही है।
आज भी इनको अलग से बंद करके जाऊंगा मैं। तो देखते हैं दोस्तों आज ये जोड़ा लगाते हैं या नहीं। मैंने इधर बंद कर दिया है, अब रह गया है नर। नर इधर चला गया, इधर से मैं इसको पकड़ता हूँ और फिर इसको भी यहीं पर बंद करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद इसको हम लोग मादी के साथ बंद करते हैं। तो दोस्तों दुआ करिएगा जोड़ा लगा लें यार, काफ़ी टाइम हो गया। जोड़ा लगा लेंगे तो फिर बेहतर हो जाएगा। दोस्तों दोनों को मैंने अलग से बंद कर दिया है, ये देखिए ये भी आ गया है और मादी भी आ गई। मादी ऑलरेडी मैंने पहले ही डाल दी थी, नर अभी अभी आया है। तो देखिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त, अगर ये जोड़ा लग गया तो बहुत ज़बरदस्त जोड़ा लगेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे देगा। दोस्तों हर बंदे ने ही मुझे यही बोला है कि शाकिर भाई इनका जोड़ा लगाएं, बहुत अच्छे बच्चे निकालेंगे, क्योंकि ये मादी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त मादी है। सबों ने ही यही बोला है मादी बहुत अच्छी है और नर तो गोल्डन है ही अच्छा, तो मादी भी ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर इन्होंने जोड़ा लगाया तो इनके बच्चे बहुत ज़बरदस्त परवाजी बनेंगे। दोस्तों तो दोस्तों कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, जोड़ा लगता है या नहीं लगता वो देखते हैं दोस्तों, पता नहीं अब क्या होता है। वीडियो पूरी वॉच करिएगा दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और ये हमारा जोड़ा आपको पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक तो दोस्तों बनता है। दोस्तों ये तलहा गौरी वाली एक मादी ही रह गई थी, इसको अंदर करते हैं और बंद कर चलते हैं। दोस्तों दाना वाना इन्होंने फुल खा लिया है, अब ये हमारा बेबी पिजन दोस्तों तलहा गौरी वाला नर देखे गुटकता हुआ, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लगता है। दोस्तों सब तकरीबन लोगों ने मुझे ये बोला है तलहा गौरी वाला नर बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास नर है दोस्तों। तो दोस्तों यही मेरी ख्वाहिश है कि मादी दो चार दिनों में, हफ्ते में अंडा दे दे, नहीं तो दोस्तों हम इसकी मादी चेंज कर देंगे, कोई अच्छी सी टेढ़ी मादी। या आप लोग बताएं इसके लिए किस तरह की, इसी तरह की छपरा मादी लेकर आएँ या टेढ़ी मादी लेकर आएँ, आप लोगों ने बताना है दोस्तों इसके लिए किस तरह की मादी। दोस्तों मेरी एक दोस्त से मेरी बात हुई है, उसने मुझे वीडियो दी हैं अपने कबूतरों की। दोस्तों नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह मैं उसके पास जाऊंगा और उसका बहुत बड़ा सेटअप है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सेटअप है और उसके सेटअप की आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। जो बता रहा था 20+ उसके पास कबूतरों की नस्ल है, तो दोस्तों उनके पास जाएंगे, उनसे कबूतर भी परचेज़ करेंगे, मादियां पर भी परचेज़ करेंगे और उनके सेटअप की आपको शौक भी कराएंगे। दोस्तों उन्होंने मुर्गा भी दिखाया था, मुर्गा थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, आप लोगों को दोस्तों मैं दिखाऊंगा, आप लोगों ने बताना है मुझे वो मुर्गा किस तरह का है। दोस्तों अगर वो आप लोग बोलेंगे अच्छा है तो दोस्तों हम परचेज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़ो नासिर, अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों।